पत्थरबाजों को सबक सिखाया तो इसका विरोध क्यों? द सीएम्स कॉर्नर में हमने इस हफ्ते सवाल को उठाया। मेजर लितुल गोगोई को सेना ने इसी हफ्ते सम्मानित किया, हालांकि उनके सम्मान करने पर पॉलिटिक्स भी खूब हुई। सरकार के साथ साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेजर की पीठ थपथपाई तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और हुर्रियत नेता खुलकर मेजर गोगोई के खिलाफ बोले। ऐसे में हमने सवाल उठाया कि क्या सेना से जुड़े मामलों पर अपने फायदे के लिए सियासत करना कितना सही है। अप्रैल की इस तस्वीर से कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर 9 अप्रैल को हुए उपचुनाव के दौरान पोलिंग अधिकारियों और सेना के जवानों को पत्थरबाजों से बचाने के लिए मेजर लितुल गोगोई ने कश्मीरी युवक फारूक डार को जीप के बोनट से बांध कर घुमाया था। पिछले 2 महीनों से सेना की जीप के बोनट से बांधे गए फारूक का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। वीडियो के समर्थन में भी लोग आए हैं, विरोध की आवाजें भी सुनाई दी हैं। सियासत और सवालों के बीच सेना ने मेजर लितुल गोगोई को सम्मानित किया है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से नवाजा है। गोगोई को यह अवार्ड आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया है। मेजर गोगोई के खिलाफ सेना ने एक जांच कमेटी भी बनाई है, लेकिन सेना ने अब उन्हें सम्मानित किया है। गोगोई को सम्मान से नवाजने पर हो रही सियासत के बीच बीजेपी, केंद्र सरकार और सेना मेजर गोगोई के साथ मजबूती से खड़ी है। मेजर गोगोई ने उस वक्त जो समझा कि अगर वो पत्थरबाज को जीप पर नहीं रखते तो कई लोगों की जिंदगियां चली जाती, कई लोगों की जिंदगी मेजर गोगोई ने बचाई। कोई भी सब समाज इस तरह से किसी सिविलियन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने को अच्छा नहीं मानता है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मेजर गोगोई की तारीफ की है। वहीं बीजेपी सांसद और एक्टर परेश रावल ने मशहूर लेखिका और मानवाधिकार मामलों को उठाने वाली अरुंधति रॉय पर तीखा हमला बोला है। परेश ने ट्वीट कर आर्मी जीप से पत्थरबाजों को बांधने के बजाय अरुंधति रॉय को ही बांधने की बात कह दी। परेश के ट्वीट पर अब जमकर बवाल हो रहा है। I have written 4 articles for Major Gogoi. I have from day one been saying Gogoi should be given a good gallantry service award. He has been acknowledged by the chief by giving him a commendation card and I'm very happy. क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और एक्टर अनुपम खेर ने मेजर को सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई है, मेजर की बहादुरी को सलाम किया है। वहीं पत्थरबाजी के आरोप में जिस फारूक डार को सरेआम जीप से घुमाया गया उसने मेजर को सम्मानित करने पर अफसोस जताया है। फारूक का कहना है कि मेजर गोगोई खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। साथ ही उसने पूछा है कि क्या मैं जानवर था जो मुझे जीप के आगे बांध कर घुमाया गया। डार ने कहा है कि मैं अपना वोट डालने गया था, मुझे पत्थरबाजों में शामिल समझ कर क्यों जीप से बांधा गया। वहीं मेजर गोगोई ने पहली बार विरोधियों के डार को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के तीखे सवालों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने 12 लोगों की पत्थरबाजों की भीड़ से जान बचाई थी। गोगोई ने कहा कि भीड़ जबरदस्त तरीके से पथराव कर रही थी, लोगों की जान बचाने के लिए कदम उठाया गया। साथ ही मेजर गोगोई का ये भी कहना है कि डार ने मौके से भागने की कोशिश की थी लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके, तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। सेना ने मेजर गोगोई को सम्मानित किया है लेकिन उनकी परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। कश्मीर पुलिस ने मेजर गोगोई के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस मेजर के खिलाफ केस वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में पुलिस मेजर के खिलाफ जाँच को आगे बढ़ा सकती है। सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में मेजर गोगोई से पुलिस सवाल भी कर सकती है। पुलिस की चार्जशीट के बाद मेजर के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। ऐसे में सेना मेजर गोगोई के केस को आगे कैसे लेगी, सेना सम्मान और सियासत के इस मामले में आगे क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मई को हमने सीएम्स कॉर्नर में पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा उठाया था। हमारी मुहिम रंग भी लाई, सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंची। यूपी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन को लेकर अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम का ऐलान कर दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में खुद इसकी शुरुआत की। पूर्वांचल के नौनिहालों को आखिरकार संजीवनी मिलनी शुरू हो गई और जी हिंदुस्तान को इस बात का संतोष है। जी हिंदुस्तान देश के सरकारों की बात करता है, जी हिंदुस्तान आवाम की आवाज है। 22 मई को सीएम कॉर्नर में हमने पूर्वांचल में मौत के बुखार इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा उठाया था। क्यों हम दिमागी बुखार से मर रहे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हमने दिखाया था किस तरह साल दर साल दिमागी बुखार सैकड़ों माओ की गोद सूनी कर रहा है, बच्चों को मौत की नींद सुला रहा है। सीएम कॉर्नर में इंसेफ्लाइटिस पर दिखाई गई हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है, हमारी मुहिम रंग लाई है। सीएम कॉर्नर में पूर्वांचल का दर्द दिमागी बुखार की खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ। यूपी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन को लेकर कार्यक्रम का ऐलान किया है। यूपी की योगी सरकार 38 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाएगी। आपको बता दें कि पूर्वांचल में हर साल इंसेफ्लाइटिस से 500 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। इंसेफ्लाइटिस का शिकार बच्चे बनते हैं। पिछले 40 साल में इंसेफ्लाइटिस 15,000 से ज्यादा मासूमों की सांसें छीन चुका है। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शुमार हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पूर्वांचल के साथ साथ बिहार और नेपाल से भी मरीज आते हैं। इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए हर साल बड़ा बजट भी मुहैया कराया जाता है, लेकिन पूर्वांचल में दिमागी बुखार कहर बना हुआ है। बहरहाल सीएम कॉर्नर पर खबर दिखाए जाने के बाद नई उम्मीद जागी है। इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन से आने वाले सालों में लाखों मासूम बच्चों को जीवन संजीवनी मिलेगी। गोरखपुर से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।